नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे किचन गार्डन में कुछ सब्जियां बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो आज उन सभी सब्जियों को आपके साथ हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम टमाटर की हार्वेस्टिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया टमाटर लगे हुए हैं और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं एकदम लाल, और इनको सभी को हमने सीड से ही ग्रो किया था। तो दोस्तों, अब एक एक करके हम सभी टमाटर को हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये हमारे बिल्कुल ही ऑर्गेनिक टमाटर है, इनमें हमने किसी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। और कुछ तो कच्चे हैं लेकिन कुछ है ना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और दोस्तों, ये हमारे चेरी टमाटर हैं बेल वाले, और इन टमाटरों का टेस्ट है ना जो नॉर्मल टमाटर होते हैं जो हम सब्जी मंडी से लाते हैं उनसे अलग है। ये कुछ ज़्यादा ही खट्टे होते हैं और सब्जी तो इनकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और हमने ना इनको लास्ट ईयर भी ग्रो किया था और लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा लगे थे, और इनके ना काफ़ी बड़ी बड़ी बेल बन जाती है और उनको डंडी का सहारा देना पड़ता है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे कई टमाटर यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इनको ना सभी को एक एक करके हम तोड़ लेंगे। और भी हमारे पास कई प्लांट लगे हुए हैं और कई तो ना सेल्फ सीडलिंग से भी ग्रो हो चुके हैं, मतलब हो गए थे। और ये वाले लेकिन इनको हमने चेरी टमाटर को हमने सीड से ग्रो किया है। हमारे पास लास्ट ईयर का ही सीड रखा था, मतलब लास्ट ईयर हम सीड शॉप से लेके आए थे तो उसी का आधा सीड बचा हुआ रखा था, तो उसको हमने इस बार भी ग्रो कर दिया और आधे को हमने लास्ट ईयर ग्रो कर दिया था। तो लास्ट ईयर भी बहुत ही सारे टमाटर लगे थे हमारे, और इस बार भी हमारे आप देख सकते हैं कितने बढ़िया टमाटर लगे हुए हैं। और भी कहीं देखते हैं टमाटर लगे हैं या नहीं लगे हैं। और दोस्तों, जब इसको ना किसी डंडी का सहारा नहीं देते तो इस तरह से ये टमाटर का प्लांट गिर जाता है जैसे ये गिरा हुआ है। और ये टमाटर लगा हुआ है, देखते हैं ये पका है, अभी ये थोड़ा सा ना कच्चा है, कोई बात नहीं, इसको दो चार दिन के बाद हार्वेस्ट कर लेंगे। तो और भी है ना कई जगह लगे हुए हैं, उनको भी हम हार्वेस्ट करके लाते हैं। और दोस्तों, यहाँ लगी हुई है ये हमारी स्ट्रॉबेरी, और जिसको कि हमने रनर्स के द्वारा लगाया था, और अब ये भी रेडी हो चुकी है। वैसे तो है ना 5-7 दिनों पहले हमने इसको आपके साथ शेयर किया था और अब ये बिल्कुल पक चुकी है। आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ की है स्ट्रॉबेरी और बिल्कुल रेड है। और दूसरे में भी ये एक स्ट्रॉबेरी रेड हो चुकी है, तो इसको भी है ना हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, इनका स्वाद है ना बिल्कुल एकदम मीठा नहीं होता है, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा ना खट्टा मीठा होता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। और एक ये भी, अभी ये थोड़ी सी कच्ची है, इसको अभी नहीं करेंगे हार्वेस्ट, इसको 1-2 दिन के बाद कर लेंगे। और भी है ना आप देख सकते हैं कितनी सारी ये हमारे स्ट्रॉबेरी लगी हुई हैं, और ये एक ही पेड़ से हमने ग्रो की हैं। और ये भी एक स्ट्रॉबेरी ये है, तो ये भी आधी कच्ची है, इसको भी अभी नहीं करेंगे। अब दूसरे गमले में भी लगी हुई हैं, ये है हमारे एक दूसरे गमले की स्ट्रॉबेरी, तो इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और एक स्ट्रॉबेरी है ना यहाँ लगी हुई थी, लेकिन वो पता नहीं चिड़िया ने या बुलबुल ने ख़राब कर दिया था उसको, तो वो हमने तोड़ के फेंक दी। और ये भी एक है ना स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। तो दोस्तों, हमारे ये जो सेलो ट्रे है ना, इनमें एक एक में तीन तीन प्लांट लगा रखे हैं, और स्ट्रॉबेरी भी काफ़ी बढ़िया लग रही हैं हमारे में। और यहाँ लगी हुई है हमारी मूली और सलगम, ये है हमारी 1000 लीटर वाली पानी की टंकी जो कि नीचे से टूट गई थी, तो उसी में हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल के, मतलब नीचे तो जैसे हम अपने गार्डन की सूखी पत्तियाँ वगैरह डाल ली थी, और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के हमने इसमें मूली और सलगम को ग्रो कर रखा है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल अब ये भरी हुई है पूरी ही। और इसके है ना टंकी के दो टुकड़े कर लिए थे, एक ये टंकी का टुकड़ा ये है, और एक आपको दिख रहा होगा वहाँ वो रखा हुआ है, मतलब उसमें भी हमने और कुछ दूसरी सब्जी बो दी थी, और इसमें हमने मूली और सलगम को लगा दिया है। और अब देखते हैं इसमें मूली रेडी हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी है ना बड़ी दिख रही है, इसको हम अब निकाल लेते हैं।
ये हमारी मूली निकल आई है, लेकिन है ना अभी थोड़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। वैसे हमने ना इनको भी लगाया भी है ना, थोड़ा पीछे था। और ये शलगम है, शलगम को भी देखते हैं, ये है शलगम, तो आप देख सकते हैं अच्छी निकली है वैसे, क्योंकि है ना हाँ ये थोड़ी है ना गहरी गहरी लग रही हैं, तो इसलिए भी ये ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। वैसे तो लग तो काफ़ी ज़्यादा रही हैं। और दोस्तों आज तो हमारे यहाँ ना धूप काफ़ी अच्छी निकली थी, मतलब 2-3 दिन से लगातार काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, और उससे पहले तो काफ़ी सर्दी हो रही थी। और दोस्तों ये आज की हमारी हार्वेस्टिंग है, ये चेरी टमाटर हैं और ये स्ट्रॉबेरी है, और हमने एक मूली और एक शलगम निकाली है। और अभी है ना शलगम और मूली अच्छे से रेडी नहीं हुई हैं, क्योंकि हमने इनको कुछ ही दिनों पहले लगाया था। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन में वेजिटेबल लगाएं और ऑर्गेनिक सब्जियां पाएं, और इनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।